और प्लीज़ आप इसे शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है? मैं बहुत अच्छे तरीके से आपको समझा रहा हूँ। तो देखिए स्टूडेंट, इसको हम कैसे करते हैं। तो इस क्वेश्चन में स्टूडेंट आपसे क्या कह रहा है, यहाँ ध्यान दीजिए आप। ये देख लीजिए, ये 2x² है। तो स्टूडेंट हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि हमें इस 2 को हटाना है। जो x² के जो स्टूडेंट कोफिशियंट है 2, इसे हमें हटाना होगा। और इसे हटाने के लिए हमें क्या करेंगे स्टूडेंट, सबको 2 से डिवाइड देंगे। अगर यहाँ 3 होता तो हम 3 से डिवाइड देते सब में, ठीक है स्टूडेंट? तो चलिए हम लोग डिवाइड देते हैं 2 से। इससे भी 2 से डिवाइड देंगे, इसको भी 2 से डिवाइड देंगे, इसको भी 2 से डिवाइड देंगे, ठीक है स्टूडेंट? अब ये 2 कट जाएगा स्टूडेंट, ठीक है? तो क्या आ गया, x² माइनस 5/2x प्लस 3/2 इक्वल टू 2 को 0 से डिवाइड देंगे तो क्या आएगा, 0 आ गया ना स्टूडेंट। अब हमें क्या करना है स्टूडेंट, ये कॉन्सोनेंट है और इसे हमें इक्वल के बाहर लेकर आना है। तो साइन चेंज हो जाएगा, याद रखिए प्लस वाले माइनस में चेंज हो जाएंगे। तो चलिए अब लोग, अब हम लोग इसको करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, इसको हम कैसे करेंगे, x² माइनस 5/2x इक्वल टू माइनस 3/2। समझ में आया स्टूडेंट, ये प्लस में है, इक्वल के बाहर लेके आ गए, इक्वल है ये बाहर आ गया स्टूडेंट, तो साइन चेंज हो जाएंगे। यहाँ तक तो स्टूडेंट आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट करते हैं स्टूडेंट, हम लोग समझते हैं। यहाँ आप ध्यान दीजिए स्टूडेंट, ये क्या है 5/2, और इस 5/2 को हमें क्या करना होगा स्टूडेंट, हमें हाफ करना होगा, हाफ करना होगा। 5/2 को क्या करना होगा, हाफ करना होगा, यानी कि 1/2 से हमें मल्टीप्लाई करेंगे। किसको, 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे 5/2 को, ठीक है स्टूडेंट? तो 5 1 5 और 2 2 4, ठीक है? तो 5/4 होगा, ठीक है स्टूडेंट? अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं एक और तरीका आपको बता रहा हूँ स्टूडेंट। दो रोटी है, ठीक है? और दो रोटी में मैंने कहा कि मैं हाफ, मुझे हाफ चाहिए और आपको भी हाफ चाहिए, ठीक है? दो रोटी है स्टूडेंट और मैंने कहा कि मुझे हाफ, मैं हाफ खा लेता हूँ और हाफ तुम खा लो, ठीक है स्टूडेंट? दो रोटी है और मैंने कहा कि हाफ आप ले लीजिए और हाफ मुझे दे दीजिए। इसका मतलब क्या है स्टूडेंट, कि दो में से एक आप लीजिएगा और एक हमें दे दीजिएगा। तो चलिए स्टूडेंट, इसको हम हाफ करते हैं। हाफ करने का मतलब ये है स्टूडेंट कि इसको हम 1/2 से डिवाइड देंगे, ठीक है? तो 2 2 से कट जाएगा तो क्या आया 1। इसका मतलब क्या है स्टूडेंट, कि एक रोटी आप लीजिएगा और एक रोटी हम लेंगे। समझ में आ गया स्टूडेंट? तो 5/2 को स्टूडेंट हमें हाफ करना होगा, और जब इसको मैंने हाफ किया यानी कि 1/2 से 5/2 को मैं मल्टीप्लाई किया हूँ तो 5/4 आया है, ठीक है स्टूडेंट? यहाँ तक आपको समझ में आ गया? तो अब स्टूडेंट हमें क्या करना होगा, आप यहाँ ध्यान दीजिए, लिखेंगे स्टूडेंट x² माइनस, ठीक है, 5/2x, ठीक है? और ये स्टूडेंट क्या है, क्या आया है मेरा, 5/4 आया है। तो स्टूडेंट याद रखिएगा, प्लस देकर 5/4 का x² करेंगे एक बार, और एक बार माइनस 5/4 का x² करेंगे, ठीक है? एक बार प्लस देकर 5/4 x² करेंगे, 5/4 का x² करेंगे, और एक बार माइनस देकर 5/4 का x² करेंगे, ठीक है स्टूडेंट? इसलिए स्टूडेंट करेंगे क्योंकि अगर प्लस और माइनस हम काट देते हैं तो मेरा क्वेश्चन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, नहीं ना पड़ेगा, देख लीजिए बिल्कुल वही क्वेश्चन रहेगा। लेकिन स्टूडेंट यही तरीका होता है, कंप्लीटिंग मेथड के थ्रू हम ऐसे ही करते हैं, एक बार प्लस देकर 5/4 का x² करेंगे, एक बार माइनस 5/4 का x² करेंगे, याद रखिएगा, क्योंकि प्लस माइनस कट जाएंगे तो कुछ नहीं होगा, हमारे क्वेश्चन पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन ऐसा ही किया जाता है, ठीक है स्टूडेंट? इक्वल टू माइनस 3/2। यहाँ तक स्टूडेंट आपको समझ में आ गया? अब स्टूडेंट आप ध्यान दीजिए, मैं इन तीन नंबरों के बदले मैं क्या लिखा हूँ, एक्स, ठीक है, माइनस 5/4 का x² मैंने लिख दिया, ठीक है? क्योंकि a माइनस बी का होल x² x² माइनस 5/2x प्लस 5/4 का x² आएगा, ठीक है? ये b का x² है, ठीक है?
तो अगर आपको यकीन नहीं है तो चलिए इसको हम लोग स्टूडेंट इसको हम फॉर्मूले पर सेट करते हैं, देख लीजिएगा इतना आ जाएगा। चलिए स्टूडेंट x माइनस फाइव बाई फोर का एक स्क्वायर निकालते हैं कितने आते हैं, देख लीजिए आप a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर माइनस टू, ए क्या है मेरा x और b क्या है मेरा स्टूडेंट 5 डिवाइड 4 प्लस बी एक्स स्क्वायर, बी तो है यही स्टूडेंट 5 डिवाइड 4 का एक्स स्क्वायर, 2 टू जा 4 क्या आया स्टूडेंट x एक्स स्क्वायर माइनस 5 बाई 2 और ये x बच गया प्लस 5 बाई 4 का एक्स स्क्वायर, देख लीजिए स्टूडेंट आ गया ना यही चीज़ें यहाँ आ गया, ठीक है स्टूडेंट। तो मैंने इसको किस फॉर्म में लिख दिया, x माइनस फाइव डिवाइड फोर का एक्स स्क्वायर के फॉर्म में मैंने लिख दिया, ठीक है स्टूडेंट समझ में आ गया आपको, इक्वल टू ठीक है और ये माइनस थ्री बाई टू, माइनस थ्री बाई टू और ये स्टूडेंट माइनस में है तो जब ये इक्वल के बाहर जाएगा तो प्लस फाइव बाई फोर का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब नेक्स्ट समझते हैं आगे को, बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट ये और ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ध्यान दीजिए अब आप, तो x माइनस फाइव डिवाइड फोर का एक्स स्क्वायर इजकल टू क्या होगा स्टूडेंट बताइए आप, माइनस थ्री डिवाइड टू प्लस फाइव का एक्स स्क्वायर 25 डिवाइड फोर का एक्स स्क्वायर 16, यहाँ तक आ गया समझ में। अब नेक्स्ट समझते हैं स्टूडेंट आगे को, नहीं स्टूडेंट यही समझ लेते हैं, फिर अब स्टूडेंट देखते हैं आप यहाँ देखिए x माइनस फाइव डिवाइड फोर का एक्स स्क्वायर इजकल टू टू और 16 का एलसीएम लेंगे तो 16 टू एट जो 16 एट थ्री जो 24 माइनस 24 माइनस 24 हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है प्लस का साइन है तो प्लस का साइन 25 है ठीक है और ये 16 से कट जाएगा तो क्या बचेगा 25 बचेगा, इतना तो आपको पता ही होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट समझते हैं स्टूडेंट हम लोग, ध्यान दीजिए आप यहाँ पर, तो क्या आया है स्टूडेंट x माइनस फाइव डिवाइड फोर का एक्स स्क्वायर इजकल टू माइनस 24 प्लस 25 क्या होगा स्टूडेंट 1 डिवाइड 16, ओके स्टूडेंट। नेक्स्ट समझते हैं स्टूडेंट x माइनस फाइव डिवाइड फोर ठीक है इजकल टू ये स्टूडेंट एक्स स्क्वायर जो है इक्वल के हम बाहर लेके आ गए तो ये रूट बना दिया ठीक है 1 डिवाइड 16, ओके x माइनस फाइव डिवाइड फोर इजकल टू रूट 1 का वैल्यू क्या होता है 1 याद रखिएगा आप और 16 किसका एक्स स्क्वायर रूट होता है तो 4 का होता है ठीक है स्टूडेंट। लेकिन यहाँ प्लस और माइनस का साइन लगेगा, क्यों लगेगा स्टूडेंट क्योंकि हम रूट हटाए हैं जब भी हम रूट हटाते हैं स्टूडेंट तो प्लस और माइनस का साइन लगता है। अब स्टूडेंट ये प्लस का होगा या माइनस का होगा इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट हमें दो दो बार एक बार हम प्लस 1/4 रखेंगे एक बार माइनस 1/4 रखेंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा ठीक है स्टूडेंट। तो चलिए हम लोग रख के देखते हैं x माइनस फाइव डिवाइड फोर इजकल टू 1/4 एक बार प्लस रख दिया स्टूडेंट अब एक बार माइनस रख देते हैं x माइनस फाइव डिवाइड फोर ठीक है इजकल टू माइनस 1/4 ओके यहाँ तक आपको आ गया समझ में स्टूडेंट। अब नेक्स्ट सीखते हैं स्टूडेंट आगे को तो x इजकल टू 1/4 और ये माइनस में है इक्वल के बाहर जाएगा तो प्लस 5/4 यानी कि x इजकल टू 4 का एलसीएम आपको पता है 4 यानी कि 1 प्लस 5 ही आएगा ठीक है। x इजकल टू क्या होगा स्टूडेंट 1 और 5 6/4 टू थ्री जो 6 टू टू जो 4 क्या आ गया स्टूडेंट 3/2 आ गया ठीक है 3/2 आ गया x का वैल्यू एक का आंसर आ गया मेरा 3/2 यानी कि स्टूडेंट आप x की जगह 3/2 का एक्स स्क्वायर कीजिएगा यानी कि इसको रखिएगा x की जगह 3/2 तो आपके 0 आ जाएंगे ठीक है। अब दूसरा वाला देखते हैं स्टूडेंट x इजकल टू माइनस 1/4 और ये माइनस में है इक्वल के बाहर जाएगा तो प्लस 5/4 ठीक है स्टूडेंट। तो x इजकल टू ये क्या हो जाएगा 4 है और ठीक है स्टूडेंट 4 का एलसीएम 4 ही होगा और 5 प्लस 5 माइनस 1 क्या होगा स्टूडेंट 4 ही तो होगा ठीक है। अब ये 4 से 4 कट गया तो क्या बचा 1 यानी कि x का वैल्यू क्या आ गया 1
यानी कि अगर आप x की जगह 1 भी रखिएगा ना फिर, तो आपका 0 आ जाएगा आंसर, यानी कि आपके दो दो आंसर आएंगे क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये मेथड स्टूडेंट आई बिलीव 100% स्टूडेंट कि आपको समझ में आ गया है। ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आया स्टूडेंट तो मैं आपसे कहूँगा कि आप इसे दोबारा देखिए, अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मैं कहूँगा स्टूडेंट आप इसको प्रैक्टिस जरूर कीजिए। देखिए बिना प्रैक्टिस का कुछ होता नहीं है। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, दैट्स ऑल फॉर टुडे। जय हिंद, जय भारत।